दोस्तों, अगर आप लोग के पास में ऐसा एक स्पीकर पड़ा हुआ है, छोटा सा ऐसा स्पीकर अगर आप लोग के पास में पड़ा है जो किसी काम का नहीं है, आप लोगों ने ऐसे इसको फेंक रखा है, तो इसको फेंकिए मत, इसको आप कामयाब कर सकते हैं। बस आपके पास में एक और ऐसा बल्ब होना चाहिए। आपके घर में तो ऐसा बल्ब होगा ही जो कि ख़राब हो चुका है। ये बल्ब भी दोनों ही जो है ये वेस्ट है, ये भी ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है, मतलब ये काम का नहीं है, और ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी ख़राब हो चुका है, फ्यूज हो चुका है बल्ब। लेकिन इन दोनों की मदद से मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा स्पीकर बना के दिखाऊंगा, जो आप अपने मोबाइल में डायरेक्ट ही बजा सकते हैं। आपके पास में ऐसे अपने मोबाइल में ये लगा करके, जो आपका हेडफोन होता है ना, वैसे लगा करके आप और बजा सकते हैं एयरफोन की मदद से, या फिर डायरेक्ट आप इसको एक स्पीकर बना करके आप अपने घर में जो भी ब्लूटूथ स्पीकर हो उसमें कनेक्ट करके आप बजा सकते हैं। तो ये बजाऊँ, अभी मैं आप लोग इसको बजा के दिखाऊँगा, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें सेट करके दिखाऊंगा, और आवाज़ भी बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं बनाने के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा और इसको तो ओपन करके और कहाँ पे सेट करना है, कैसे सेट करना है, वो आप लोगों को थोड़ा समझना होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे, अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त, आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो का भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं किस तरह से इसको इसमें सेट करना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा देख करके भी बनेगा तो, और आवाज़ भी बहुत अच्छा करता है। तो वीडियो को आप बिल्कुल आराम से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए अब ध्यान से देखिए। तो अभी तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, अभी इसको हमें साइड में रखना है। अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ। बन जाने के बाद ये छोटा सा स्पीकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा आवाज़ देगा, जिस तरह से बूफर का आवाज़ आता है ना, बिल्कुल बूफर की तरह आवाज़ देगा आप लोगों को। मैं बजा करके भी सुना दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको तो अभी साइड में रखते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। जो भी वर्क करना है अभी पहले हमें इसमें करना है। तो आप लोगों के पास में जो बल्ब है जो फ्यूज़ हो चुका है, वो आप ले लीजिए, और लेकर के इसका जो ये ढक्कन है, इस ढक्कन को आप ऐसे निकाल लीजिए। तो मैं इस ढक्कन को ऐसे खोल लेता हूँ, आप लोग भी ऐसे खोल लीजिएगा। नॉर्मली निकल जाता है आराम से प्रेस करने पर, तो ये निकल गया है। बाद में आप लोगों को एक आयरन की ज़रूरत होगी, अगर आपके पास में आयरन है तो आप इस काम को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आयरन लीजिए, और आयरन लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये फ्यूज़ हो चुका है बल्ब। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि ये बल्ब जो है वो आपका फ्यूज हो चुका है, इसको कैसे सही करें, तो इसका भी वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आपके घर में कोई सा भी बल्ब हो, एलईडी बल्ब जो कि फ्यूज हो गया है, जल नहीं रहा है, तो उसको आप लोग फेंकिए मत। अगर आप चाहते हैं तो उसको भी कमाप कर सकते हैं, जला सकते हैं। किस तरह से उसको सही करेंगे, उसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है। तो आप लोग अभी से अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी मैं आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर लेकर के आता रहता हूँ, और उस वीडियो को जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं बल्ब अपना सही करना। तो फिलहाल तो हमें इसमें स्पीकर सेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये वायर को हम यहाँ से हटा देंगे। जो वायर यहाँ पर कनेक्ट है ये देख रहे होंगे आप लोग, थोड़ा मैं जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ये वायर दोनों कनेक्ट हैं, दोनों वायरों को हम यहाँ से पहले हटा लेते हैं, थोड़ा बचा करके, क्योंकि हाथ भी जल सकते हैं, तो दोनों को हम हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर इस वाले वायर को भी हम यहाँ से छुड़ा लेंगे, हो गया दोनों वायर। अब इसको ये जो बल्ब है, ये सब बल्ब लगे हुए हैं इसमें, इस बल्ब को हम लोग हटा करके, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अब, तो इसको हम हटा ही देते हैं, साइड में रख देते हैं। अब इस पर जो कवर लगा हुआ है ये हटाना पड़ेगा, तभी तो हम स्पीकर सेट करेंगे इसमें। तो इसको अभी हटाने के लिए यहाँ से किसी चीज़ की मदद से, आप लोगों के पास में कोई चिमटा वगैरह हो ऐसा, या फिर कोई सा भी चीज़ हो जिससे निकाल सकते हैं, तो वैसे इसको आराम से ऐसे करके आप लोग निकाल लेंगे ऐसे करके। मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, वैसे आप लोग भी निकाल लीजिएगा। तो ये निकल गया बाहर, ठीक है। इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम साइड में हटा देते हैं, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी काम है इससे काम है, क्योंकि इसी में हमें स्पीकर अपना सेट करना है, जो हमारा स्पीकर है वो इसी में सेट करना है। तो इसको निकाल देते हैं। अगर वायर छोटा हो, अगर आप लोग के पास में ऐसा वायर है, लेकिन अगर वो छोटा है तो इसको आप लोगों को निकालना होगा, और निकाल करके दूसरा वायर ज्वाइंट करना होगा। बहुत ही आसानी से निकल जाता है, एक वायर पकड़ के रखिए, और यहाँ से इस पर थोड़ा सा आयरन गर्म करके इस पर रखेंगे तो ये वायर यहाँ से छोड़ देता है, और ये निकल जाता है आराम से बाहर। तो इस तरह से दोनों वायर को अगर आप लोग निकालना चाहते हैं और दूसरा वायर लगाना चाहते हैं, तो दूसरा वायर इसमें लगा सकते हैं। ये वायर मेरा ठीक है, बड़ा बड़ा वायर है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैं वायर चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो और भी ज़्यादा बड़ा होगा, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो ये वायर इतने पर ही मैं रख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें स्पीकर सेट करने के बाद में ऐसे, तो ये रहेगा नहीं, इसको कहीं पे लटकाना होगा ऐसे। तो जो होल्डर होता है ना, इस होल्डर में इसको सेट करते हैं, इस बल्ब को जिसको सेट करते हैं, तो आप लोगों को बस क्या करना होगा ना, थोड़ा समझ लीजिए, नहीं बाद में आप लोगों को दिक्कत होगा कि आखिर इसको सेट कहाँ पर करेंगे। तो ये देखिए, कोई भी वायर लीजिएगा, दो वायर ले करके यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों वायर को जॉइंट कर लेंगे ऐसे, जैसे मैंने जॉइंट कर लिया, इस तरह से आप लोग भी उसको जॉइंट कर लीजिएगा, ऐसे जॉइंट कर लेना है आप लोगों को। कोई सा भी दो वायर लेना है, दो वायर लेकर के जॉइंट कर लेना है, और एक ना यहाँ पे थोड़ा ऐसे गांठ मार लेना है, इसको बांध देना है वायर को, ताकि ये निकले नहीं बाहर, ठीक है। तो ऐसे एक बार इसको बांध लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे बांध करके,
और फिर जो होल्डर आपके पास में जो रह जाएगा ना, उस होल्डर में इस वायर को निकाल करके ऐसे यहाँ पे ला करके और तब होल्डर को ऐसे लगा देंगे इसमें। फिर ये घर के किसी भी कोने में लटका करके रखेंगे, ये आराम से ऐसे पड़ा रहेगा और बहुत ही अच्छा बजेगा भी। अभी इसमें मैं आप लोगों को सेट करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट ये स्पीकर पर चले, ये मेरा हेडफोन लगा करके चले, जो ईयरफोन होता है ना, ईयरफोन इस तरह का जो ईयरफोन होता है, इसको अगर आप लोग सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा आप लोगों को। पहले मैं इसको सेट करता हूँ स्पीकर को इसमें, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग ईयरफोन पे भी चला सकते हैं। ये ईयरफोन का जो वायर है ये भी इसमें कनेक्ट करके किस तरह से आप अपने मोबाइल में चला पाएंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक उसके लिए बने रहिएगा, बताऊँगा मैं आप लोगों को। देखिए बस अभी क्या करना है, मैं सिर्फ ये दो वायर जो हैं, इन दोनों वायरों को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए होता है स्पीकर में, यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए होता है। इसमें प्लस माइनस का कोई ये नहीं होता, किसी में भी कोई वायर जोड़ दीजिए, प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जॉइंट कर ले रहा हूँ, किसी एक में कोई सा भी वायर जॉइंट करता हूँ, ठीक है। वैसे आप लोग भी जॉइंट कर लीजिएगा, तो मैं इस तरह से जॉइंट कर लेता हूँ वायर को। तो इस तरह से आप लोग भी अपना दोनों वायर इसमें जॉइंट कर लीजिएगा, मैंने इसको जॉइंट इसमें कर लिया है, इस तरह से आप लोग भी इसको जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। आयरन की मदद से आप लोग इसको जॉइंट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, इस तरह से आप लोग इसको जॉइंट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए दोनों वायर को इसमें जॉइंट कर लिया, देख लें आप लोग, बहुत बहुत सफाई से इसको जॉइंट करना, अच्छे से जॉइंट कर लेना है बढ़िया से, ताकि फिर ये वायर निकले नहीं। तो ये इसमें जॉइंट हो चुका है, और ये दोनों वायर जो है, ये दोनों वायर को मैं कनेक्ट कर रखा हूँ यहाँ पे, इन दोनों को। और ये वायर कनेक्ट होता है जो हमारा होल्डर होता है, होल्डर में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया, बस इसको क्या करना है, बस ऐसे सिंपली इसको इसमें सेट कर लेना है, ऐसे बिठा लेना, थोड़ा सा इन दोनों को ऐसे दबा देना, ये जो है इसको थोड़ा सा हल्का हल्का, ऐसा नहीं दबाना है कि टूट जाए, थोड़ा सा इसको दबा करके और इसको हमें यहाँ पे सेट कर देना है ऐसे। तो ये ऐसे सेट हो गया दोस्त, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा देखने में आप लोगों को। और ये ऐसे किसी भी घर के कोने में या फिर कहीं पर जहाँ पर आप लोगों का सिस्टम आपने रख रखा है, अपना कंप्यूटर या फिर अपना म्यूजिक सिस्टम, वहाँ पर इसको आप आराम से ऐसे लटका सकते हैं, और आवाज़ भी बहुत अच्छा करता है ये। तो ये ऐसे सेट कर देंगे, बाकी थोड़ा सा आप लोगों के पास में फेविक्विक होना चाहिए या फिर कोई सा भी सॉल्यूशन यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। कोई चिपकाने वाला कोई सा भी चीज़ जिससे चिपक सके, तो यहाँ पे आप लोग उसको लगा लेंगे। ग्लू होता है ना, ग्लू के मदद से आप लोग इसको परमानेंट अगर फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा फेविक्विक चिपकाएंगे तो वो भी चिपक जाएगा, बड़ी बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग इसको लगा करके ऐसे यहाँ पर इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रहता है ये, बजेगा बहुत बढ़िया। तो अभी मैं इसको फिट नहीं करूँगा, चिपकाऊँगा नहीं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया है, मेरे को ये नहीं बनाना, मैंने आप लोगों के लिए बताने के लिए ऐसे किया है मैंने। अब देखिए, अब मैंने तो आप लोगों को बता दिया था कि अगर आप लोगों को स्पीकर पर चलाना तो इसको कैसे चलाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बजा करके भी दिखा दे रहा हूँ किस तरह से आप इसको बजा सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर सेट हो चुका है, अब बस हमें दो वायर लेना है, दो वायर लेकर के और यहाँ पर कनेक्ट करना है, मैं कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे पास में ये वायर पड़ा है, ऐसा वायर आप लोगों के पास में होगा, ये वायर आप लोग लेंगे और लेकर के यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। मैं भी इसको यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ फटाफट से, देखिए इसको मैं आप लोगों को बजा के दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा चलेगा, आवाज़ आप लोगों का वूफर की तरह करेगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि आवाज़ एकदम बहुत ही अच्छा करेगा वूफर की तरह, तो एकदम वूफर की तरह इसका आवाज़ भी आएगा। वीडियो को थोड़ा भी आप लोग स्किप मत करिए, एकदम देखते रहिए बढ़िया से, जो जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग। तो देखिए मैंने वायर को तो यहाँ पे जॉइंट कर लिया दोस्त, जैसे मैंने वो जॉइंट किया वैसे आप लोगों को भी यहाँ पे जॉइंट वायर को कर लेना है, स्पीकर ऑलरेडी इसमें लग चुका है। अब देखिए सिंपली बस क्या करना है ना, ये आपके पास में ऐसा एक प्लेट होना चाहिए, ऐसा प्लेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास में म्यूजिक सिस्टम है कोई, तो इन दोनों वायर को उसमें लगा करके बजा सकते हैं, ये बज जाएगा। लेकिन मेरे पास में प्लेट ऐसा है तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ऐसा स्पीकर होता है ब्लूटूथ स्पीकर, इस प्रकार का मेरे पास में ब्लूटूथ स्पीकर था और ये ख़राब हो गया था, इसमें का प्लेट में का चार्जिंग वगैरह सब कुछ निकल चुका था, चार्जिंग वार्जिंग कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको चलने लायक बनाया है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा ब्लूटूथ है जो कि बिल्कुल ही ख़राब हो गया, ब्लूटूथ स्पीकर किसी भी कंपनी का कुछ भी अगर ऐसा है जो ख़राब हो चुका है, उसमें का चार्जिंग जैक वगैरह सब कुछ उखड़ गया, बैटरी वैटरी कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं होने के बावजूद भी मैंने इसको ऑन करके और चला रखा है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ, जाकर देख सकते हैं। आपके पास में सिर्फ अगर ऐसा प्लेट पड़ा है, चार्जर चार्जिंग करने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, इसमें चार्जिंग का जैक भी उखड़ गया है, बैटरी भी नहीं है, तब भी आप उसको ऑन करके और बहुत अच्छी तरह से उसको यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर के मेरे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अभी तो मैं आप लोगों को चेक करा रहा हूँ अपना जो ये मैंने स्पीकर बनाया है उसको इस प्लेट में, तो बस जहाँ पे इसका स्पीकर का कनेक्टर होता है वहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर ले रहा हूँ और आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको लगा लिया स्पीकर के कनेक्टर के पास में। अब देखिए
मैं गाना नहीं चला सकता हूँ, गाना चलाऊंगा तो वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैं गाना मैं नहीं चला सकता हूँ दोस्त, लेकिन मैं आप लोग को इसको ऑन करके ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए इस पर मैं थोड़ा सा कुछ रख लेता हूँ, ये ऑन होगा तो ये उड़ेगा, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं ऑन करूँगा तो ये जो रखा है इस पर ये हिलेगा, स्पीकर ऑन होगा तो, और आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई देगा बिल्कुल। देखिए आप ध्यान से, लेकिन अगर दोस्त अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छा अच्छा मैं आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को दोस्त ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप लोग वीडियो लाइक करते हो हमारा। तो देखिए अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑन करने वाला जो बटन होता है वहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, और ये देखिए कि ये जो यहाँ पर जो रख रखा है ये वाइब्रेट होगा और ये उड़ जाएगा यहाँ से, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए तो आवाज़ भी आप लोगों को आया होगा ब्लूटूथ मोड का, क्योंकि ये ऑन हो गया है। गाना तो मैं नहीं चला सकता हूँ, गाना चलाने से मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसलिए मैं गाना नहीं चला सकता हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए ऑन करके दिखा दिया मैंने आप लोगों को। अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो आप लोगों का ये एक अच्छा सा स्पीकर तैयार हो जाएगा, और आप लोग किसी भी म्यूज़िक सिस्टम में इसको लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आप लोग पास में इसी तरह से दो स्पीकर, तीन स्पीकर, जितना भी स्पीकर है और बल्ब है तो उसमें आप लोग लगा सकते हैं। और ये तो मैंने ऐसे वायर निकाल रखा क्योंकि दो स्पीकर का था मेरा, तो ये वायर वैसे निकला, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक और स्पीकर लगाना तो आप ऐसे ही एक और स्पीकर ज्वाइंट कर सकते हैं और चला सकते हैं दो स्पीकर को भी। ठीक है, तो ये सब समझ में आप लोगों को आ गया होगा। फटाफट से मैं आप लोगों को अब ये समझा देता हूँ कि ये जो हमारा ईयरफोन का जो वायर है, तो ईयरफोन का वायर कैसे इसमें जॉइंट करेंगे, और जॉइंट करके इसको डायरेक्ट अपने मोबाइल में लगा करके इसको कैसे, स्पीकर को कैसे चला सकते हैं, इसको आप लोग फटाफट से समझ लीजिए बहुत जल्दी से। देखिए जो वायर यहाँ पर लगा है ना, इन वायरों को तो मुझे हटाना होगा, तो मैं जो वायर यहाँ पर जॉइंट कर रखा हूँ पहले से, इन सब वायरों को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी मेरे को दूसरा वायर जॉइंट करके दिखाना है ईयरफोन का। तो ये जो भी था मैं इसको यहाँ से हटा ले रहा हूँ, इसको ऑफ कर करके रख देता हूँ साइड में, ताकि यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरा वायर ज्वाइंट करके दिखा सकूँ मोबाइल से डायरेक्ट बजा करके, जिसमें कोई भी प्लेट वलेट की आप लोगों को जरूरत नहीं है, कोई भी प्लेट नहीं है तो भी आप सिर्फ इसको चला सकते हैं आप लोग अपने मोबाइल से कनेक्ट करके। ठीक है, तो ये जो वायर है इस वायर को अब इसमें कनेक्ट करना है, बताता हूँ आप लोगों को कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट करना है, सही से देखना आप लोग बिल्कुल, स्किप तो वीडियो का बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर आप लोग स्किप करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। तो देखिए तो इसमें चार वायर है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें चार वायर है, तो दो दो वायर का पेयर कर लेंगे अलग अलग। देखिए एक पीला वाला और ग्रीन वाला एक साथ मैंने कर लिया, और रेड वाला ब्लू वाला वायर मैंने एक साथ में कर लिया, यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छी तरह से। अब इन वायरों को मैं क्या करूँगा कि दोनों को दो जगह पे जॉइंट कर दूँगा, तो मैंने एक ये रेड वाला और ये ब्लू वाला दोनों वायर को मैं एक साथ कर ले रहा हूँ, रेड और ब्लू वाला वायर एक साथ में कर ले रहा हूँ दोनों को, प्लस माइनस का कोई इसमें इशू नहीं होता है, तो इसलिए मैंने दो को इसमें एक साथ कर लिया, और इन दोनों वायरों को एक साथ जो येलो वाला है और ग्रीन वाला, इन दोनों को एक साथ में मैं कर ले रहा हूँ, ऐसे मैंने जॉइंट कर लिया। अब बस जो काम करना था वो हो गया है, अब आप लोगों को मैं गाना चला कर दोस्त नहीं सुना सकता हूँ, और मोबाइल में और कुछ बजेगा नहीं उसके सिवाय, गाना के सिवाय। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये यहाँ पर जॉइंट हो गया है और इसको आपने मोबाइल में लगाना है, और लगा करके आप लोगों को बजा लेना है, ये बजेगा बहुत अच्छी तरह से, वर्क करता है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्त जितना समझाना था उतना मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझा दिया, सब कुछ अच्छे से आप लोग समझ में आया, फिर भी आप लोगों का अगर कोई सा भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। ज़्यादा डाउट हो तो फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे भेजिए, वहाँ पे आप लोगों का सोल्यूशन किया जाएगा, सब कुछ समस्या का समाधान आप लोगों का यहाँ पे मिलता है। नेक बैंड हो, ब्लूटूथ स्पीकर हो, कोई सा भी हो, आपके पास में ईयरबड्स हो, सब कुछ का रिपेयरिंग होता है, सब कुछ अच्छे तरह से आप लोग यहाँ पे देख करके बना पाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास में कोई सा भी वेस्ट चीज़ हो, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जो कि आप लोग सही करना चाहते हैं तो यहाँ से सही कर सकते हैं, ऐसा आपके पास में मैक हो या फिर ब्लूटूथ हो इस तरह का आपके पास में, या फिर ईयरबड्स हो जो छोटा छोटा ईयरबड्स होता है इस तरह का, ऐसा आप लोग सही कर सकते हैं, नेक बैंड भी आप सही कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सही कर पाएंगे आप लोग मेरे चैनल की मदद से, तो मेरे चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।